अब तक हमने देखे है पुराना ढाका और अब हम जा रहे हैं नए ढाका को देखने के लिए। दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेंगे और ये जो नए ढाका है उसमें काफ़ी तरक्की आपको देखने को मिलेगा। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चौड़े चौड़े अच्छे अच्छे सड़कें और लेक एरिया, ये सब इसी नए ढाका एरिया, गुलशन एरिया में ही है। तो चलिए चलते उधर। चलिए आप, मैं होटल से निकलता हूँ, फिर सीएनजी जो ऑटो होते हैं यहाँ पे, सीएनजी कहते हैं उसको, सीएनजी से चलता है इसलिए सीएनजी कहते हैं लोग, तो उसमें करके जाना है, मेरे लिए बेहतर है। फिर आज शाम को ही मुझे बॉक्स बाजार के लिए निकलना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी करनी है। और फिर 30 तारीख को मैं फिर एक बार ढाका रिटर्न करूँगा और फिर 31 को मेरे रिटर्न टिकट है। दोस्तों, अब आके मैं बैठा चाचा के इस ऑटो में और अब हम जा रहे हैं हाथी लेक की ओर। चाचा बारी को लिखना है बोरीशाल। अच्छा, बोरीशाल, जाते साल आते साल तार नाम बोरीशाल। अच्छा, सीएनजी ऑटो को 180 रुपया दिया मैं होटल से ये हाथी लेक तक छोड़ने के लिए। यही वो लोकेशन है जिसे कहते हैं हाथी लेक। ये जो लेक है ये ढाका शहर के बीचों बीच इर्द गिर्द घूमता रहता है। एक लंबी एरिया में ये लेक हर तरफ आपको मिलेगा। इसके दोनों तरफ से बड़ी बड़ी सड़कें हैं और बीच बीच में इस तरह का छोटे छोटे ब्रिज है जो इस पार से उस पार को जोड़ देता है। तो ये सब प्लैंड सिटी है ढाका के, नए ढाका कहा जाता है इसको। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे जो डेवलपमेंट है वो आपको इधर ही देखने को मिलेंगे। और जो पहले जितने सारे चीज़ मैंने आपको दिखाया वो सब पुराना ढाका है, वो कॉमर्शियल एरिया बहुत ज़्यादा है। ये भी कॉमर्शियल एरिया है लेकिन उस तरह का नहीं है, प्लैंड वे में है। और ये पोश एरिया है, इसके आगे भी गुलशन बल्कि एक जगह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये लेक सिर्फ सौंदर्य के लिए ही नहीं है बल्कि यातायात के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह का वाटरवेज है। अभी देखा आपने जो बोट गया और एक बोट आ रहा है, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो ये यातायात के लिए भी जाते हैं क्योंकि ढाका शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो भीड़ से बचने के लिए लोग बोट में करके ही इस झील से आगे निकल जाते हैं। सबने मुझे एक बात बताया कि इस ढाका शहर में जो है वो स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो, बैग वगैरह है, ये घटना काफ़ी ज़्यादा होता है। यही कारण है जो लेक के किनारे वाला रोड अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खाली खाली सा है, इसलिए मैं इस तरफ से जा रहा हूँ हाईवे के किनारे से। इसी रोड से आगे जाने से ही गुलशन मिलेगा, लेकिन यहाँ बाइक भी चलता है, बाइक में भी मैं जा सकता हूँ, वो भी एक बार मुझे चढ़ने का इच्छा है, देखता हूँ क्या करूँ। ये सब वर्कर्स है, हाथी झील को साफ सुथरा रखने के लिए वर्कर है। तो हम देख रहे हैं अपने पुल के ऊपर, जैम देखिए ढाका शहर का। इस
जगह का लोकेशन देखिए कितना खूबसूरत है। कोक पी लिया तो फिर थोड़ा सा ठीक लग रहा, भी प्यास लग गया था बहुत। ढाका में क्या है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जो शहरी एरिया है उधर, मैंने जैसे बादल वगैरह के उधर उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, वहाँ शाम होती है ठंडी हवा चलती है, लेकिन ढाका में काफ़ी गर्मी है। और आज ऐसे भी बादल छाया हुआ है, उसके ऊपर धूप भी निकला, थोड़ा थोड़ा बादल, थोड़ा थोड़ा धूप, जिससे गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई। तब से मैं इस जैम को देखते आ रहा हूँ, ऐसा ही जैम लगता है। थोड़ा सा ठंड है, हवा भी चल रही है। देखिए शानदार नज़ारा ढाका शहर का। यही पूरा एरिया है गुलशन वन, गुलशन एक, गुलशन दो के नाम में है, ये है गुलशन एक वाला एरिया। यह है गुलशन एरिया, बिल्डिंग देखे कितना शानदार। इधर सभी बैंक वगैरह है, बैंक एशिया। स्काई मार्क यह ढाका का सबसे पॉश एरिया है, ये सभी करोड़पतियों का निवास है यहीं पर। बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कंपनी, बैंक्स, जो फॉरेन बैंक्स है, इन सब का ऑफिस आपको इसी गुलशन एरिया में ही मिलेगा। पीछे इस साइड में जो बाटा का शोरूम, यहाँ पर भी है बाटा और टाटा। यही है दुनिया, सारे करोड़पतियों के बिल्डिंगों के बीच एक बुजुर्ग बैठा हुआ है और हाथ फैलाकर 10-5 रुपया ले रहा है। तो चलिए दोस्तों, गुलशन एरिया से विदा लेते हैं,
डबल डकर एक बार चढ़ने का इच्छा था, अगर उस तरफ जाए तो चढ़ लूँगा। तो ये भी एक सवारी बाकी था, वो भी मैंने पूरा कर लिया, सिर्फ डबल डकर पे अभी तक नहीं चढ़ पाया। ये फ्रूट में अब तक मुझे मिला नहीं है। भाई के साथ अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने होटल। अगर आप सिंगल सवारी है और ढाका में कभी किसी जाम में आप फंस जाते हैं तो इस तरह आप बाइकर के हेल्प ले लीजिए, तो आपका समय का बचत हो जाएगा, वरना आपको पास में ही बैठा रहना पड़ेगा। में आने के कारण थोड़ा जल्दी मैं पहुंच चुका हूं और अब होटल में जाके फिर एक बार फ्रेश होना है। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूं आज का वीडियो और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।